ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम जिस मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है दिव्य महाप्रयोग। दीपावली से जुड़ा एक दिव्य प्रयोग आप सबके लिए लेकर आया हूँ। पिछले वर्ष भी बहुत से साधकों ने इस प्रयोग को किया और पूरे साल भर उसका लाभ उठाया। ये तीन वीडियोस की एक श्रृंखला होने वाली है, जिसमें पहले हम मुख्य दिव्य प्रयोग के विषय में जानेंगे जो कि आज की वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद मुख्य दिव्य यंत्र का कैसे निर्माण करें, लक्ष्मी प्रदायक बीसा यंत्र, जिसके विषय में हमने पिछले वर्ष भी चर्चा की थी। उसके बाद मंत्र के विषय में कि दीपावली की रात्रि को मंत्र कैसे सिद्ध किया जाए। इन तीनों विषयों पर वीडियोस आप तक शीघ्र ही पहुंचने वाली हैं, तो साधकों के लिए ये रात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो आइए आज के जो हमारा मुख्य महाप्रयोग है उसके विषय में चर्चा करते हैं। पिछली वर्ष भी कई साधकों ने इस प्रयोग को करकर लाभ उठाया था। ये दिव्य प्रयोग दियों से जुड़ा हुआ है। दीपावली की रात्रि हो और दियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो आइए जानते हैं अपने उस मुख्य दिव्य महाप्रयोग के विषय में। करना क्या है, सात दियों का निर्माण करना है, और ये कोई मामूली दिए नहीं होंगे। गाय के गोबर से आपको सात दिए बना लेने हैं। अब ये वीडियोस मैं इसीलिए आपके पास जल्दी लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप इन दियों को बनाकर सुखा लें। सात गाय के गोबर के दिए बना लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ रख लीजिएगा और तिल का तेल आपको चाहिए होगा। इन तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो शीघ्र अतिशीघ्र इसे मंगा के घर में रख लीजिए। ये प्रयोग धनतेरस से आपको प्रारंभ करना है। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा, इन दिनों में ये प्रयोग होना है। अब ये प्रयोग थोड़ा सा भिन्न होने वाला है, क्योंकि इस बार त्यौहार आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। जो छोटी दीपावली है और बड़ी दीपावली है वो एक ही दिन पड़ जाएगी। धनतेरस का त्यौहार भिन्न है, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज भी एक ही दिन मनाई जा रही है। आइए मैं आपको उनकी तिथियां बता देता हूं और इस प्रयोग को कैसे करेंगे इस विधि में बताता हूं। सात दियों का निर्माण आपने कर लिया है, तिल का तेल भी आपके पास है और गुड़ भी आपने रख लिया है। उसके बाद क्या करना है, दो दिए जो हैं वो धनतेरस की रात्रि में जलाए जाएंगे। धनतेरस की रात्रि में इस प्रयोग को करना है, और वो दो दिए मुख्य रूप से जो आपका मेन द्वार होगा, जिसे प्रवेश द्वार बोलते हैं आपके घर का, उस द्वार के दोनों कोनों में रखे जाएंगे। धनतेरस आपकी 23 तारीख को पड़ रही है। 23 तारीख के दिन आपको रात्रि में ये प्रयोग करना है। जब सब सो चुके होंगे उसके बाद ये प्रयोग होगा, जब वो दिए चेतन हो जाएंगे उसके बाद आपको द्वार को उलांग कर बाहर नहीं जाना होता है। इस चीज का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान करना है। दो दिए आपने धनतेरस की रात्रि में जलाए, उसमें तिल का तेल आपने डाल दिया है, उसके बाद उनको चेतन करना है। जब वो कुछ चेतन हो जाएंगे अर्थात जल जाएंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ को हम भोग के रूप में डालते हैं। ये माँ लक्ष्मी को बुलाने का एक प्रतीक माना जाता है। द्वार पर दियों को जलाना बहुत ही लाभ देता है और सनातन धर्म में तो इसकी बहुत ही बड़ी परंपरा चली आ रही है। दो दिए आपने धनतेरस के दिन जलाए, उसके बाद छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक ही दिन मनाई जाएंगी, जिस दिन नरक चतुर्दशी है अर्थात 24 तारीख को, उसी दिन ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसका क्या कारण है, अगले दिन ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के पड़ने से ग्रहण के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया श्रेष्ठकर नहीं माना जा रहा है, और ये शास्त्र के संबद्ध भी नहीं है। इसीलिए जिस दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार है उसी दिन हम दीपावली के त्यौहार को भी मनाएंगे। तो उस दिन क्या होगा, दो दिए आपने धनतेरस की रात्रि में जलाए हैं, दो दिए आपको 24 तारीख के दिन जलाने हैं, अर्थात जिस दिन नरक चतुर्दशी और बड़ी दीपावली, मतलब छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक ही दिन पड़ेंगी, उसी दिन आपको दो दिए जला देने हैं। दोनों ही मुख्य द्वार पर जलेंगे, उसके बाद उसमें तिल का तेल आपको भरना है और दिए चेतन करने के बाद उसमें गुड़ का भोग लगाइएगा। तीसरा दिया भी उसी दिन ही जलेगा, और वो दिया आपका जलेगा मंदिर में जा करके। अब ये मंदिर के अंदर नहीं रखना है, जो आपके घर का मंदिर है उसके द्वार पर राइट साइड में आपको रख देना, अर्थात दाहिने हाथ की तरफ। जब आप घर के अंदर एंट्री करेंगे तो दाहिना हाथ, अर्थात जैसे आपका मंदिर जहां भी है, आप जब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा वहां पर आप
उस दिए को चेतन कर देंगे और उसके बाद उसमें गुड़ का भोग लगाएंगे। हम धनतेरस के दिन दो दिए जला चुके हैं, दो दिए छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली एक ही दिन पड़ने के कारण वहां तीन दिए जला चुके हैं, तो टोटल हमारे पांच दिए हो गए। अब बचते हैं दो दिए। उसके बाद ग्रहण आ रहा है जो कि 25 तारीख को पड़ेगा, मंगलवार के दिन। उस दिन कोई दिया चेतन नहीं करना है। ग्रहण पर हमारी वीडियो शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद में गोवर्धन पूजा और भैया दूज भी 26 तारीख को ही मनाया जाएगा, बुधवार के दिन। इस बार तिथियां आपस में बहुत ही ज्यादा कोलैप्स कर जा रही हैं, जिस कारण से जो 5 दिन का त्यौहार था वो 3 ही दिन में मनाया जाएगा। 23 तारीख को आपकी धनतेरस है, 24 तारीख को आपकी छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली है, 25 तारीख को ग्रहण होने की वजह से कोई त्यौहार नहीं होगा, और 26 तारीख को आपकी गोवर्धन पूजा और भैया दूज दोनों मनाए जाएंगे। गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दिन भी आपको दो दिए जलाने हैं, दोनों ही प्रवेश द्वार पर जला दिए जाएंगे। टोटल आपके 7 दिए हो गए। अब मैं इस विधि को थोड़ा सा शॉर्ट से समझा देता हूँ। पहले आपने दोनों दिए प्रवेश द्वार पर जलाए, जलाने के बाद उनमें उनको तिल के तेल से आपको भर लेना है और उन दियों को चेतन करना है, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, जब आप वो दिए चेतन कर देंगे उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठ के भोग लगाने के पश्चात, जब आपने उसमें गुड़ डाल दिया है, उसके बाद आप अपने मंदिर में बैठ के वहीं पर ही 11 बार श्री सूक्त का पाठ करिएगा। जो मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में जो मंत्र सुनाया वो श्री सूक्त का ही है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम स्वर्ण रजतश्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। श्री सूक्त के अंदर 4 ऋषि हुए हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी का पुत्र माना जाता है, श्रीत, चिकलीत, करदम और आनंद। ये चारों ऋषि इस श्री सूक्त के अंदर जातवेद कहते हैं अग्नि को, अग्नि से विनती करते हैं कि हे अग्निदेव, आप माँ लक्ष्मी को हमारे घर बुलाएं। तो वो सब भी माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं, और अगर हम इसको करें, श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, ये शास्त्र का कथन है। तो जब आप वो 7 दिए जलाएंगे, तो जब भी वो दिए जलेंगे आपको 11 बार अपने घर के मंदिर में बैठ के श्री सूक्त का पाठ करना है, और आप चाहें तो इस पाठ को निरंतर भी कर सकते हैं दीपावली के इन पर्व के पश्चात भी। इनको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पिछले वर्ष भी कई लोगों ने इस दिव्य प्रयोग को किया और उसका लाभ उठाया। सात्विक आहार का प्रयोग करिएगा, सात्विक भोजन करके और रात्रि काल में इस दिव्य महाप्रयोग को करें, आपको लाभ अवश्य पहुँचेगा। श्री सूक्त का पाठ करना ना भूलें। उसकी पुस्तक कई बार मिलना कठिन होता है, फोन के माध्यम से इसको ना करें, पुस्तक पर आप ले आएं या फिर उसका प्रिंटआउट निकलवा लें। 16 मंत्र श्री सूक्त में हैं, उन 16 मंत्रों का पाठ आपको बहुत लाभ देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में आपके लिए एक दिव्य यंत्र निर्माण को लेकर शीघ्र ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।